हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल हाउस ऑफ मूवीज। तो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं पावर हाउस ऑफ मार्वल यानी हल्क की टॉप 5 मूवीज के बारे में। ये वीडियो में मैं मार्क रफेलो या बोले हमारे हल्क भैया के रियल फैंस के लिए लेके आया हूँ। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि मार्वल ही हॉलीवुड नहीं है, मार्वल के अलावा भी मार्क रफेलो ने ऐसी मूवीज की हैं जो आज तक लोगों के दिल पे राज करती हैं। तो इस वीडियो में मैं ऐसी ही कुछ मार्क रफेलो की टॉप 5 मूवीज लेकर आया हूँ जो कि आपको बहुत पसंद आने वाली हैं। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते और स्टार्ट करते हैं मूवी नंबर 5 से। तो गाइस, नंबर 5 पर आती है ज़ोडियाक। ये मूवी एक क्राइम ड्रामा मिस्ट्री मूवी है और सच बताऊँ तो ये मूवी मिस्ट्री मूवीज की वन ऑफ द बेस्ट मूवीज में से एक है। पर इसको मैंने नंबर 5 पर इसलिए रखा है क्योंकि इसमें मार्क रफेलो को इतना स्क्रीन प्ले नहीं दिया गया है। और रही बात इसकी कास्टिंग की, तो इसमें हमें आयरन मैन, हल्क और यानी हमारे मिस्टीरियो तीनों एक साथ देखने को मिलेंगे। इस मूवी में हमारे हल्क भैया यानी मार्क रफेलो एक इंस्पेक्टर का रोल प्ले करते हैं जो कि इस मूवी के सस्पेंस ज़ोडियाक किलर को ढूंढता है। ये मूवी सच में बहुत ही अमेजिंग है। इस मूवी कास्टिंग में नहीं बल्कि स्टोरी में भी बहुत दम है। और अगर आपको सच में मिस्ट्रीज मूवीज पसंद आती हैं तो ये मूवी आप ही के लिए बनी है। इसके बाद नंबर 4 पर आती है नाउ यू सी मी। ये मूवी एक क्राइम मिस्ट्री जॉनर से बिलोंग करती है। इस मूवी में मार्क रफेलो डायलन रोड्स का रोल प्ले करते हैं। ये मूवी बेस्ड है कि कैसे एक FBI एजेंट और एक इंटरपोल डिटेक्टिव ट्रैक करते हैं अ टीम ऑफ इल्यूजनिस्ट जो कि बैंक रॉबर्स होते हैं। ये मूवी फुल ऑफ ट्रिक और प्लानिंग प्लॉटिंग से भरी हुई है। और रही बात इसकी लोकप्रियता की, तो एक क्लिप इस मूवी की इतनी फेमस है कि वो हर सोशल प्लेटफॉर्म पर देखने को मिलती है। और अगर आप भी उस अमेजिंग क्लिप को देखना चाहते हैं तो आप YouTube, Insta या किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म पर इस मूवी के नाम से सर्च कर सकते हैं। और मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, खाली उस क्लिप को देखने के बाद और इस मूवी का ट्रेलर देखने के बाद आपको इस मूवी को देखने का बहुत मन करेगा क्योंकि ये मूवी बहुत ही अमेजिंग है। इसके बाद नंबर 3 पर आती है डार्क वाटर्स। तो गाइस, ये मूवी एक बायोग्राफी है रॉबर्ट बाइलट जिसका रोल प्ले करते हैं हमारे मार्क रफेलो। ये मूवी में दिखाया जाता है कि कैसे एक केमिकल कंपनी अपने आसपास के एनवायरनमेंट को बहुत टाइम से पॉल्यूट करती आ रही होती है जिसका इफेक्ट वहाँ के लोकल पीपल और एनिमल्स पर पड़ता है, पर कोई भी उस चीज़ पर ध्यान नहीं देता। पर जैसे ही हमारे मार्क रफेलो को इस चीज़ का पता चलता है तो भाई वो अकेला बंदा उस पूरी कंपनी से लड़ जाता है। ये मूवीज़ इन्हीं के बीच कुछ इंसिडेंट्स पर बेस्ड है और यार ये मूवी सच में एक ट्रू स्टोरी है। और गाइस, मैं सच बताऊं तो ये मूवी अब तक की मेरी लाइफ की वन ऑफ द बेस्ट बायोग्राफीज में से एक है। तो यार ये मूवी तो ज़रूर देखना। तो गाइस, इसके बाद नंबर 2 पर आती है शटर आइलैंड। बरमूडा ट्रायंगल के बाद अगर कोई सबसे बड़ी मिस्ट्री है तो वो ये मूवी है। ये लोगों को समझ ही नहीं आती भाई, और अगर आपने ये मूवी समझ ली तो समझ लो कि आप एक जीनियस हो क्योंकि ये मूवी आपका दिमाग खोल के रख देगी। तो इस मूवी के बारे में मैं ज़्यादा कुछ नहीं बता सकता क्योंकि यार ये मूवी मेरे खुद समझ नहीं आई। तो जल्दी जाओ और देखो, और अगर देखी हुई है तो कमेंट करके बताओ कि किसको ये मूवी एक बार में समझ आ गई थी। इसके बाद नंबर 1 पर आती है बैगिन अगैन। ये मूवी 2013 की सबसे बड़ी मूवी रही थी। ये मूवी मेरे ख्याल से मार्क रफेलो की सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग मूवीज में से एक थी जिसमें उन्होंने प्रूफ किया कि लोग क्यों उन्हें नेचुरल एक्टर बुलाते हैं। ये मूवी बहुत ही सिंपल सी है, पर इस सिंपल थिंग को मार्क रफेलो ने इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना दिया कि लोगों को आज भी ये मूवी बहुत पसंद है। ये मूवी एक बार ऑस्कर के लिए भी नॉमिनेट हुई है। तो गाइस, अगर आपको कॉमेडी, रोमांस, म्यूजिक पसंद है तो ये मूवी में आपको सब मिलेगा। तो गाइस, अगर आप सच में मार्क रफेलो के फैन हैं और उन्हें हल्क के अलावा कुछ और करते हुए देखना चाहते हैं तो ये 5 मूवीज अब तक की उनके कदर की सबसे बेस्ट मूवीज हैं। तो गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक मारो और चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।